गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार चंद्राकर फ्रॉम भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दूर। आज हम लोग विजुअल बेसिक का एक टॉपिक है, ये डेटाबेस में भी पढ़ा जाता है, डेटा मॉडल। तो सबसे पहले हम मॉडल के बारे में जानेंगे कि मॉडल होता क्या है, उसके बाद डेटा मॉडल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम देखते हैं व्हाट इज मॉडल। मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस दैट रिप्रेजेंट एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो मॉडल होता है वो यूजर को एसेंशियल प्रोसेस रिप्रेजेंट किया जाता है बिना बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका लेआउट तैयार किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि कितना लेआउट रहेगा उस घर का, लेंथ कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, ठीक है, कितने रूम्स रहेंगे। तो ये सब चीज़ पहले उसमें प्लान किया जाता है, उसमें बनाया जाता है। तो हम यूज़र को ये नहीं बताएंगे कि इस रूम का मतलब कोई भी घर है तो उसका लेंथ इतना है, हाइट इतना है, विड्थ इतना है। क्यों? क्योंकि वो जब घर बनेगा तो सिर्फ उसका फ्रंट दिखेगा, ठीक है, उसके अंदर उसका लेंथ क्या है उसका कोई भी डिटेल, बैकग्राउंड डिटेल्स हम उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो सेम वही कंसेप्ट जो होता है वो डेटाबेस में होता है। डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे आप डेटाबेस बनाएंगे, सपोज मैंने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट नाम का, उसमें टेबल बनाया स्टूडेंट टेबल करके, और उस स्टूडेंट टेबल में हमने स्टूडेंट के कुछ इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स लिए, सपोज स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर। तो जब हम उसको डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, फिर उसको हम एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र को एक्सेस कराते हैं, तो सिर्फ हम उसको ओवरव्यू जो रहता है उसको वो क्या कर सकता है, जैसे कि यूज़र का नाम है, यूज़र का मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो वो चीज़ वो उसको दिखेगा। उसको ये नहीं पता चलेगा कि उस टेबल का नाम क्या है, उस डेटाबेस का नाम क्या है, उस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसमें इंडेक्सिंग क्या है, ठीक है, ये सारे चीज़ बैकग्राउंड डिटेल्स जो है और एक्सप्लेनेशन हम उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। दिस इज अ मॉडल। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल इट प्रोवाइड्स लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के लिए क्या करता है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, उसमें डेटा एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ किस टाइप का रिलेशन बनाता है। सपोज हमारे पास एक टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल, जिसमें आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, सपोज इस तरह का हमारे पास अगर टेबल है, ये सारे एट्रीब्यूट्स है, तो हम इसमें रिलेशन कैसे बताएगा, आईडी, ये आईडी जो हो सकता है हम आईडी को प्राइमरी की बनाएं, तो वो उस प्राइमरी की से स्टूडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो उसी तरह क्या होता है, हाउ डेटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता है उसके बारे में। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। डेटा मॉडल जो है डिफरेंट टाइप्स, फर्स्ट आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल। तो इसमें जो रिकॉर्ड बेस्ड डेटा मॉडल जो रहते हैं वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है, नेटवर्क डेटा मॉडल होता है और रिलेशनल डेटा मॉडल होता है। तो इसमें जो हायरार्किकल डेटा मॉडल जो होता है, हायरार्किकल में क्या रहता है, पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट रहता है, इसमें पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट होता है हायरार्किकल में। मतलब जो पेरेंट रहेगा वो क्या रहेगा, रूट रहेगा, रूट नोड जो है वो हमेशा क्या रहेगा, पेरेंट रहेंगे, और उसके डिफरेंट चाइल्ड हो सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल से देखते हैं, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे टॉप पर जो रहता है वो आपका क्या रहता है, डायरेक्टर रहता है, ठीक है, इस डायरेक्टर के नीचे जो उसके चाइल्ड जो रहेंगे वो आपका प्रिंसिपल रहेंगे,
इसके नीचे जितने भी उसके अंडर एचओडीज रहेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है, एचओडीज अलग अलग जो डिपार्टमेंट के रहेंगे ये क्या होंगे, डिफरेंट चाइल्ड होंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो भी फैकल्टी मेंबर रहेंगे उसका एक अलग हायरार्की बनेगा, वैसे हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग फैकल्टी रहेंगे, और देन लास्ट में रहेंगे स्टूडेंट। तो सबसे टॉप पर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, आपका पेरेंट, जिसको रूट रूट नोट बोलेंगे, और उसके नीचे जितने भी रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके चाइल्ड नोट कहलाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, एक हायरार्की बना रहा है। इसका मतलब इसमें एक बेसिक कंसेप्ट होता है, हायरार्किकल डेटा मॉडल में चाइल्ड के सिर्फ मतलब कोई भी पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट उस चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। जैसे कि हम नेटवर्क डेटा मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं और चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है एक हायरार्किकल मॉडल में, कि अगर कोई भी जैसे सपोज इस नीचे वाले चाइल्ड को स्टूडेंट को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्ट आपके डायरेक्टर से जाके कंसल्ट नहीं करेगा या आपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा, वो क्या है एक हायरार्की में ही रहेगा, ठीक है। बॉटम, ये बॉटम है, ये टॉप है, बॉटम टॉप। तो ये जो है फैकल्टी से अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, अगर फैकल्टी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो वो एचओडी से जाएंगे, एचओडी से कंसल्ट करेंगे, फिर वो इस तरह से क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल। नेटवर्क डेटा मॉडल जो होता है इसमें क्या रहता है, ये भी पेरेंट और चाइल्ड के कंसेप्ट पे होता है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पेरेंट जो होते हैं उसके मल्टीपल चाइल्ड भी हो सकते हैं और जो चाइल्ड है उसके मल्टीपल पेरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई टॉप पोस्ट पे है, यहाँ पर सीईओ, ठीक है, सपोज यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, यहाँ पे सेल्स मैनेजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजर हो गया, सपोज इस तरह से अलग अलग है। तो यहाँ पे ये पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कोई ये दोनों के एक ही चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट इस तरह से देखो, यहाँ पर चाइल्ड है, इसके मल्टीपल पेरेंट सेल्स मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, और वैसे यहाँ पे एक पेरेंट है, इसके मल्टीपल चाइल्ड। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट वही होता है कि किसी भी मैनेजर मतलब जो पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं और चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। लास्ट होता है आपका रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होता है कि एक टेबल रहेगा या डेटाबेस, ठीक है, वो दूसरे टेबल या दूसरे डेटाबेस के साथ किस तरह से रिलेशन शो करेगा उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास सम इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, और उसी तरह हमारे पास अगर स्टूडेंट का कुछ एकेडमिक वाला है, ठीक है, स्टूडेंट एकेडमिक टेबल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी सपोज हम इसको प्राइमरी फॉरेन की बना लिए यहाँ से, और यहाँ पर उसका ब्रांच कोर्स इस तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में क्या होगा, एक स्टूडेंट नाम का टेबल दूसरे उसी स्टूडेंट का एकेडमिक वाले टेबल के साथ किस तरह से रिलेशन बनाएगा, ठीक है, उसके बीच क्या रिलेशन रहेंगे, वो सारी चीज़ जो होता है वो रिलेशनल डेटा मॉडल में डिफाइन रहता है।
तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा मॉडल में मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। थैंक्स स्टूडेंट।